हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को लेके चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने 300 क्वेश्चन की चर्चा की, वो सारे वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप उन्हें शुरू से देखिए, वो आप सारे वीडियो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आप चाहे छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WWD का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 10,1024 बाइट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। ठीक है। कामन किल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त सेन को। ठीक है। सन 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिन ने नवंबर 1858 में कहाँ अजय दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में अजय दरबार में। लॉर्ड बेले जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? इलाहाबाद के निजाम ने। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीदे आजम का नाम से कौन सा नाम जाना जाता है? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के स्वरूप में। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। ये 1919 में किया गया था, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है। बंगाल का विभाजन कवर किसके द्वारा किया जा गया था? 1905 में किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है, जबकि 1911 में इसे फिर से विभाजन रद्द कर दिया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीबी मवलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य कौन सा किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? हाँ, ये तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से मानी जाती है? केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ठीक है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। कोई क्विक रिवीजन यहां से कर देते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी मावलंकर। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसी सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्यशैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्यशैली किस राज्य से मानी जाती है? केरल।
भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्य किससे संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली के शास्त्रीय नृत्य है केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।